नमस्ते आदाब सत श्री अकाल। मैं दिशा आप सभी का स्वागत करती हूँ BCN न्यूज़ की ये वुमेंस डे स्पेशल सीरीज में, जहाँ पे बहुत सारी वुमनियाओं को हम आपसे रूबरू करा रहे हैं, उनके इंटरव्यूज ले रहे हैं, उनकी स्टोरियाँ कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग है। और अभी इसी श्रृंखला में हमारे साथ है मिसेस बॉबी बजाज जी। बहुत बहुत स्वागत है बॉबी जी आपका, और थैंक यू सो मच कि आपने इतना ज़्यादा ऐसे कीमती टाइम आपका दिया आपके बिजी शेड्यूल में, तो उसके लिए बहुत बहुत ज़्यादा थैंक यू। और दर्शकों को बता दूं कि बॉबी जी प्रेसिडेंट है महाराष्ट्र महिला ब्यूटी एसोसिएशन की महाराष्ट्र चैप्टर की, ये ओनर है बियो सलून एकेडमी एंड क्लिनिक की, साथ ही ये एक बहुत अच्छी कॉस्मेटोलॉजिस्ट है, और इनके खुद के भी प्रोडक्ट्स आते हैं बियो फेशियल प्रोडक्ट बियो फेसेस बाय बॉबीज, जो कि बहुत ही उम्दा प्रोडक्ट्स है। और ऐसी एक उम्दा लेडी और बहुत ही डैशिंग लेडी हम कह सकते हैं हमारे साथ है हमारे स्टूडियो में। फिर एक बार बहुत बहुत स्वागत है बॉबी जी आपका। थैंक यू सो मच। बॉबी जी मतलब आपके बारे में इतनी सारी चीज़ें सुनी और इतनी ज़्यादा चीज़ें आप करती भी है, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि इन सारी चीज़ों की शुरुआत कैसे हुई, मतलब आपकी शून्य से लेके अब तक की जर्नी मैं जानना चाहती हूँ। थैंक यू दिशा। फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी वुमेंस डे टू ऑल ऑरेंज सिटी एंड विथ हर गॉर्जियस वुमेन। ओके, मेरी जर्नी के बारे में एक्चुअली इतना बिजी शेड्यूल में कभी मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा, एंड रियली गॉड ब्लेस मी। एंड ऑफ कोर्स व्हेन आई स्टार्ट माय करियर दैट टाइम भी मैं बहुत इनोसेंट थी, और मैंने सोचा कि कुछ ना कुछ ऐसा नया करना चाहिए इन दिस ब्यूटी फील्ड, हमारे इस ब्यूटी इंडस्ट्री के लिए। तो मैंने सोचा एक साधारण ब्यूटी पार्लर खोलने से अच्छा कुछ बहुत अच्छा एजुकेट होके इस ब्यूटी इंडस्ट्री में बहुत अच्छा काम किया जाए, बहुत अच्छे कुछ नए प्रोडक्ट्स लाए जाए, बहुत अच्छा कुछ वेल एजुकेट होके साइंटिफिकली तरीकों को समझते हुए साइंटिफिकली कन्विंस करते हुए हम लोग बहुत सारे ऐसे कुछ ब्यूटी इंडस्ट्री के लिए काम करें इस हमारे ब्यूटी इंडस्ट्री में। सो आई एजुकेट आफ्टर माय मैरिज, और बहुत एजुकेशन मैंने लिया उसमें, और मैंने अपना ब्यूटी फील्ड में स्टार्ट किया, और बहुत ज़्यादा टफ रहा, नॉट ईजी। जब भी हम कुछ करते हैं तो ईजी नहीं रहता है, उसके पीछे बहुत हार्ड वर्क लगता Obviously, है, बहुत हार्ड वर्क लगता है, बहुत हार्ड वर्क लगता है। और वेल बाय द गॉड ग्रेस वो आज मेरा जो ड्रीम था कि मैं गॉर्जियस जो हमारे ऑरेंज सिटी वुमेंस के लिए कुछ करूँ और इस ब्यूटी इंडस्ट्री में कुछ करूँ, तो आज ओवरऑल द सारे इंडिया में मैं स्किन के लिए सेमिनार्स देती हूँ, सारे स्टूडेंट ब्यूटिशियन को बहुत एजुकेट कर रही हूँ। सो मैं यही चाहती हूँ कि बहुत हमारे इस इंडस्ट्री में हमारे इस ब्यूटी फील्ड में सारे एजुकेट होके काम किए। ओके, मतलब कहीं ना कहीं बहुत ही जिस तरीके से मैंने भी आपके बारे में बताया और जितना आपने अभी बताया काफ़ी इंस्पायरिंग स्टोरी मुझे लग रही है। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों की शुरुआत कैसे हुई, मतलब हाउ डिड यू थॉट कि मुझे इसी फील्ड में आना है, यही चीज़ करनी है, क्योंकि बहुत सारी फील्ड्स तो और थी एक्सप्लोर करने के लिए, बट हाउ डिड यू थॉट कि मुझे यही करना है। येस, वेरी इंटरेस्टिंग। एक्चुअली मैं खुद की बहुत केयर करती थी बचपन से ही। Okay. मुझे बहुत अच्छा आदत था अपने आप को बहुत केयर करना, अपने घर को बहुत नीट एंड क्लीन करके रखना, तो सोचा ये एक बहुत अच्छा करियर है जिसमें मैं इन्वॉल्व हो जाती हूँ और बहुत अच्छा काम करती हूँ। और ऑब्वियसली मैं बिज़ी रहना चाहती थी, मैं अच्छा। नहीं चाहती थी कि सिर्फ बच्चा देखूँ फैमिली देखूँ, मैं चाहती थी कि हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं, यू नो एक्चुअली नारी शक्ति अगर चाहे तो बहुत कुछ कर सकती है, वुमेन्स कैन डू एनीथिंग। यस, तो मैंने सोचा इसके साथ साथ में कुछ करना चाहिए अपनी सोसाइटी के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चे के लिए। सो आई फील सो प्राउड जब मैंने कुछ किया अपने लिए और मैं अपने बेटे को कुछ दे पाती थी, कुछ उसके लिए बाय करती थी, तो स्टार्टिंग में वो बहुत हैप्पी मोमेंट रहता था, बहुत अच्छा लगता था कि मैं उसको आज उसकी चॉइस का ये लेके दे रही हूँ। सो ये जो मोमेंट्स था बहुत हमेशा याद रहता है, चाहे आज हम इस लेवल पे आ गए हैं। ओके, बहुत बेस। बस फिर वो जो जर्नी शुरू हुई फिर दैट टाइम स्टार्टिंग में तो था कुछ करना है, बिजी रहना है,
बट नाउ द डेज इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो चुके हैं हम लोग, इतना ज़्यादा बिजी हो चुके हैं, और ये ब्यूटी इंडस्ट्री तो ऐसा है कि आप जितना डेप्थ में उतरोगे उतना ही आप उसमें इन्वॉल्व होते जाओगे और काम करने का मज़ा भी आएगा। वही चीज़ है। मैं आपसे ये भी जानना चाहती हूँ बॉबी जी, मतलब जिस तरीके से आपको बेस्ट कॉस्मेटोलॉजिस्ट का अवार्ड मिला है, बेस्ट मेकअप आर्टिस्ट का अवार्ड मिला है, आपकी एकेडमी को बेस्ट एकेडमी का अवार्ड मिला है, बेस्ट लीडर अवार्ड बाय सिंधुताई सबका, इनकी ओर से भी आपको अवार्ड मिला है। इसकी श्रृंखला और भी बड़ी है मैंने ऐसा सुना है, तो मैं चाहती हूँ हमारे दर्शकों को आपके अचीवमेंट्स के बारे में बताएं। यस, बस मैं तो देखो काम अच्छा करती गई, मैं वो चाहत से कभी भी काम नहीं करी कि इस लेवल पे आऊँ और अवार्ड्स मिले, बट जब आपका काम बोलता है तो काम से आपकी पहचान होती है, और वही पहचान आज हमको हमारे बहुत सारे अवार्ड्स दिलाती है। बहुत अच्छा लगा जब नागपुर की बेस्ट कॉस्मोलॉजिस्ट का अवार्ड मिला, एंड पुरी में मुझे महाराष्ट्र की बेस्ट कॉस्मोलॉजिस्ट का अवार्ड मिला, एंड सिंधु माई के हाथ से मुझे पुणे के मेरे एक प्रोग्राम में सेमिनार में अवार्ड मिला। अच्छा। एंड जब मैंने उनके फीट पैरों को छुआ, आशीर्वाद लिया और उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया, तो उनसे हम इंस्पायर होते हैं कि कितना स्ट्रगल था उनके लाइफ में। ऐसी बहुत सारी वुमेन्स हैं जो बिल्कुल कुछ फाइनेंशली वीक थी, कुछ बहुत सारे प्रॉब्लम्स में थे, बट अगर आपकी इच्छा शक्ति स्ट्रांग है तो वुमेन कैन डू एवरीथिंग, वुमेन कैन डू एवरीथिंग। और आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ कि मतलब ये जो शून्य से लेकर अब तक की आपकी जर्नी रही, फ्रॉम स्टार्टिंग टू टिल नाउ, जो भी है सारी चीज़ें, एक्सपीरियंस कैसा रहा, मतलब कैसा लगा ये जो पूरी जर्नी का टाइम था, कैसा लगा आपको? खैर ये तो फेयर, अभी भी और बहुत सारे अचीवमेंट्स आने के हैं, पर अब तक की जर्नी। यस देखो दिशा, स्टार्टिंग में तो ऑब्वियसली बहुत टफ था, एक रिस्क था। दैट टाइम सोचते थे कि ये जो करने जा रहे तो पॉसिबल होगा, कर पाएंगे हम लोग, कहीं ना कहीं वो डर तो रहता था साथ में, बट या मैं हमेशा यही सोचती थी कि नहीं मैं कर सकती हूँ। मैंने जीवन में किसी का गलत सोचा भी नहीं है, किया भी नहीं है, तो रब मेरा साथ ज़रूर देगा, और रियली उसने मेरा साथ बहुत अच्छे से दिया, और मैंने वो जो रोल था अपनी लाइफ को डिज़ाइन करने का, उसको मैं चाहती हूँ कि मैं बहुत अच्छे से बेस्ट रोल निभाऊँ। एक्चुअली लाइफ को डिज़ाइन तो हम करते हैं, पर वो उसके हाथ में है, हमारे रब के हाथ में है। Okay. अगर उसका हमें हमारे पे आशीर्वाद रहा तो वो रोल को हम अच्छे से निभा जाते हैं। एक्चुअली मैं आपसे मतलब ये भी जानना चाहती हूँ कि जिस तरीके से आपने कहा कि शुरुआती दौर में थोड़ा सा डर लगा, तो हर किसी की जो जर्नी रहती है उसमें कहीं ना कहीं उसे एक पॉइंट आता है कि उसे लगता है कि मैं चीज़ जो कर रहा हूँ वो सही है, गलत है, या फिर अब मुझसे नहीं हो रहा है, मतलब वीकेस्ट पॉइंट हर किसी का रहता है। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आपके इस अब तक की जर्नी में आपका वीकेस्ट पॉइंट, या फिर आपको ऐसा लग रहा था कि अब मैं टूट रही हूँ कहीं ना कहीं, तो वो कौन सा था, और उसके बाद उसे आपने कैसे ओवरकम किया? या स्टार्टिंग में तो मुझे फाइनेंशली बहुत प्रॉब्लम्स आता था, बिकॉज मेरे प्लान्स बहुत रहते थे, और ऑब्वियसली आपके प्लान्स और आप कितने भी स्ट्रांग रहो और अगर फाइनेंशली कहीं ना कहीं आपका बजट लो है, हाँ, तो वो प्रॉब्लम्स मेरे साथ में थे, बिकॉज मैं तब दैट टाइम खुद इंडिपेंडेंट अपना करियर शुरू किया था, मैंने दैट टाइम फाइनेंशियली सपोर्ट अपने फैमिली से इतना नहीं लिया था, मैं चाहती थी कि मैं खुद करूँ। अच्छा। और ऑब्वियसली फैमिली बहुत सपोर्ट करती है, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ जो कि मेरी स्ट्रेंथ है, और ऑब्वियसली हस्बैंड और मेरा बच्चा, जिसकी वजह से आज बॉबी बजाज स्ट्रॉन्ग है। तो प्रॉब्लम्स आए थे, बट दैट टाइम जब फैमिली ने देख लिया कि अब इसको कोई नहीं रोक सकता, अब ये कर सकती, और ये मैच्योर हो गई है कि अपने डिसीजन खुद लेती है और ये जो कर रही है ये सही है, सो आई थिंक ये चीज़ मुझे मेरी फैमिली की बहुत अच्छी लगती है, जब वो लोग देखते हैं कि नहीं, ये जो कर रही है, ये जो डिसीजन लेती है वो सही कर लेगी, तो वो जो वो मेरे पे विश्वास करते हैं वही मेरी स्ट्रेंथ बन गया, और बस ऐसे ही मैंने हर
छोटी बड़ी प्रॉब्लम्स को हैंडल करते हुए आज यहाँ ओके मैं जानना चाहती हूँ, मतलब जिस तरीके से हर किसी का कोई ना कोई इंस्पायर करता है, जिसकी कहानी या फिर जिसकी चीज़ें आपको इंस्पायर करती हैं कुछ अच्छा कर गुजरने के लिए, एक और जहाँ पे आप कई लोगों के लिए इंस्पिरेशन हैं, आपको बहुत लोग फॉलो करते हैं, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आपका इंस्पिरेशन कौन है? यस, सही में मैं इस मामले में मुझे भगवान ने बहुत आशीर्वाद दिया है। मेरे आसपास जो सोसाइटी थी सब गुरु लोगों के साथ मेरा उठना बैठना रहता था ओके और उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा और उसके बाद में अपने परिवार की सबसे छोटी बेटी हूँ मैं ओके मायके में भी, तो मैंने अपने भाई बहनों से अपने पेरेंट्स की सबकी अच्छी अच्छी चीज़ें चुरा के आ गई हर किसी का थोड़ा थोड़ा सबका अच्छा अच्छा चीज़ें सबकी अच्छी अच्छी बातें मैं सीखती गई चुपचाप और इन लॉज में भी जब मैं आई हूँ तो मेरे में एक ये है कि मैं जिसकी भी अच्छी बात है, चाहे वो एक छोटा सा बच्चा ही क्यों नहीं है, मैं उसकी भी कोई अच्छी बात उससे नोटिस करती हूँ, वो भी मुझे इंस्पायर करता है। ऐसी बहुत सारी और स्ट्रांग वुमेंस हैं हमारे यहाँ जिनको मैं बहुत ज़्यादा मानती हूँ okay. और मैं चाहती हूँ कि हम लोग भी इस सोसाइटी में आए हैं तो कुछ ना कुछ तो ज़रूर अच्छा करना चाहिए हमें। बॉबी जी, आपसे ये सवाल था कि मतलब जिस तरीके से आपने सपोर्ट सिस्टम के बारे में बताया, इंस्पिरेशन के बारे में आपके बताया, आपकी इस जर्नी में सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ आपको अगर किसी ने दी है तो वो कौन थे? देखो, ऑफकोर्स मेरी माँ, जिसका मैंने प्रीतमा ट्रस्ट के नाम से एक ट्रस्ट बनाया है जिनको मैं डेडिकेट करती हूँ। ओके जो मैं आज हूँ, जो सब कहते हैं बहुत पेशेंस है बहुत, तो जो भी है माँ की वजह से हूँ, मैं माँ को बहुत मानती हूँ। हर पल आज वो है नहीं, पर हर पल मेरे पेरेंट्स मेरे साथ रहते हैं। एंड उसके बाद अगर मैं किसी को मानती हूँ मेरी स्ट्रेंथ है, तो मेरे ससुर जी है, मेरे फादर इन लॉ पापा, जो कि मेरी स्ट्रेंथ है okay. और वो इतने अच्छे और ऊँचे इंसान हैं कि ऑलवेज सबको खुश देखना चाहते हैं, सबको ब्लेसिंग्स देते हैं, तो उनके जो ब्लेसिंग्स मुझे मिलते हैं रोज, तो आई थिंक तभी ये सब पॉसिबल हुआ है उनसे करना, नहीं तो हम लोग कुछ जन्म से ही सीख के नहीं आते हैं। हम हार्डवर्क जरूर करते हैं पर साथ में दुआएं भी बहुत काम में आती हैं। सो आई एम लकी कि मुझे इतना सारा आशीर्वाद घर में ही मिलता है, घर से ही स्ट्रेंथ मिलती है, अच्छी खासी पूरा पावर पैक, पूरी एनर्जी। और मेरा बेटा ऑफकोर्स जो कि मेरी स्ट्रेंथ है, जिसकी वजह से आज मैं बॉबी बजाज हूँ। ओके बॉबी जी, एक और सवाल था आपसे, मतलब हर कोई महिलाओं के अधिकार के बारे में बात करता है, महिलाओं को सशक्त करने के बारे में बात करता है, महिलाओं पर हो रहे अत्याचार के बारे में बात करता है, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आज के राह में आज की लड़की को क्या चाहिए, मतलब व्हाट डज अ वुमन वांट और व्हाट डज एन गर्ल वांट, आपके हिसाब से क्या लगता है आपको? देखो, मैं यही चाहती हूँ कि वुमेन को खुद स्ट्रांग होना पड़ता है, सेल्फ रिस्पेक्ट आपके अपने हाथ में होती है। अगर एक वुमेन स्ट्रांग है, सेल्फ रिस्पेक्ट है, तो सामने वाले की हिम्मत नहीं होगा, ठीक है? तो कहीं ना कहीं रिस्पेक्ट आपको खुद बनाना होता है अपना। ओके तो मैं चाहूँगी कि रिस्पेक्ट बनाए और उसकी शुरुआत वो अपने घर से करे, ठीक है? कहा जाता है कि दुनिया को खुश करना बहुत आसान है, घर के 5 मेंबर को खुश करना बहुत मुश्किल है। तो वो घर के जो 5 मेंबर को जब एक नारी शक्ति, एक वुमेन जब हैप्पी करके अपने कैरियर में भी सेटिस्फाइड होके एक सक्सेसफुल वुमेन बनती है, तो आई थिंक उसको सब मिल जाता है। ओके सो मैं चाहूँगी कि शुरुआत वो अपने घर से करे। हर वुमेन को एक औरत के ऊपर ही रहता है कि घर का एटमॉस्फेयर उसको कितना हेल्दी बना सकती है, उसको वो कितना नेगेटिव बना सकती है, यू नो। ओके हर चीज़ एक महिला पे डिपेंड करती है, कहीं ना कहीं कह सकते हैं बहुत हद तक। ऐसा नहीं है कि उन्हीं पे रहती है, पर बहुत हद तक मैक्सिमम, यस मैक्सिमम नारी शक्ति, अगर नारी चाहे तो बहुत कुछ हो सकता है, शी कैन ब्रिंग द चेंज ऑब्वियसली। मैम, एक सवाल आपसे एक ऐसा था कि जिस तरीके से मैंने बोला कि आपके प्रोडक्ट्स भी बहुत सारे हैं, ब्यू फेसेस बाय बॉबी,
ये एक प्रोडक्ट ये प्रोडक्ट्स जो है आपकी ओर से आते हैं और बहुत ही तारीफ कहीं ना कहीं मैंने इसके बारे में सुनी है। मैं जानना चाहती हूँ आपसे कि मतलब ऐसी क्या स्पेशलिटी है इस प्रोडक्ट में, कैसे बनते हैं, या फिर ये सारी चीज़ें आपसे जानना चाहती हूँ। एक्चुअली दिशा, जब मैंने अपना करियर स्टार्ट किया तो मैंने महाराष्ट्र का देखा, विदर्भ का देखा, यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है, यहाँ का जो यूवी रेज इतना हार्म करता है स्किन को, तो हमने सोचा क्यों नहीं जो स्किन के प्रॉब्लम डिजीज़ यहाँ पे हैं उसके अकॉर्डिंग ही कुछ ऐसे फार्मूला ओरिएंटेड चीज़ों को बनाया जाए जिससे हमारे स्किन पे जल्दी रिजल्ट आना शुरू हो और वो हर्बल हो। ओके, सो मैंने प्लान किया उसको और ब्यू फेसेस बाय बॉबीज। अच्छा, तो मैंने वो बहुत सारे हर्बल प्रोडक्ट्स हैं जो मार्केट में हैं और स्पेशली वो मेरे ही सलून में हैं। Okay. हम लोग उसको शॉप पे नहीं सेल करते हैं। अच्छा, और इसीलिए वो फार्मूला ओरिएंटेड हर्बल चीज़ें हैं। Okay. तो स्किन पे जल्दी रिजल्ट लाते हैं, सो दैट्स वाई हमारा जो रिजल्ट है वो जल्दी आता है स्किन पे, इसलिए फेमस है मतलब यही रीजन है इसका। ओके, आपके सेमिनार्स वगैरह भी बहुत होते हैं बॉबी जी, क्या बताएंगे आप? यस, मैं बिकॉज स्किन के सेमिनार्स लेती हूँ ऑल ओवर उड़ीसा, अभी गुजरात जा रही हूँ, और ऐसे ही सारे चाहती हूँ कि जितनी भी मेरी ब्यूटिशंस है पुराने टेक्निक से ना काम करते हुए अपने आप को इस ब्यूटी इंडस्ट्री में और एजुकेट करें और एजुकेट होके साइंटिफिकली तरीकों को समझे और साइंटिफिकली ही अपने क्लाइंट को पेशेंट को कन्विंस करे और काम करे, इसलिए मैं सारे ऑलमोस्ट सब जगह मेरे सेमिनार्स वर्कशॉप चालू रहते हैं और स्टूडेंट्स को एजुकेट करना ही अब मेरा मोटो है कि जब मैं जाऊँ इस दुनिया से तो बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत अच्छा काम करें। ओके ओके बॉबी जी, एक आखिरी सवाल आपसे कि वुमेन्स डे का ये मौका, महिलाओं के लिए स्पेशल श्रृंखला और BCN का माध्यम, आप क्या कहना चाहेंगी सभी तमाम दर्शकों को, जितनी भी महिलाएं आपको देख रही है, जितनी लड़कियां आपको देख रही है, उन्हें क्या एक मैसेज देना चाहेंगी? बस मैं यही चाहूँगी कि दुनिया में आए हो तो कुछ ना कुछ करो, बहुत अच्छा करो अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने हस्बैंड के लिए एंड अपनी सोसाइटी के लिए, अपने इस हिंदुस्तान के लिए। हम चाहे तो बहुत कुछ कर सकते हैं, अपने अंदर की शक्ति को पहचान के हमें बहुत कुछ करना चाहिए और है, हर वुमेन में कुछ ना कुछ गट्स है, टैलेंट है, उसको पहचानो और किसी को सहारा मत बनाओ। आपके अंदर इतनी शक्ति है कि आप औरों को संभालने की शक्ति और वो ताकत रखते हो। ओके, आप खुद बहुत स्ट्रांग हो और खुद सोचो कि कुछ ना कुछ तो मुझे अच्छा करना है, चाहे वॉट एवर जो आपको फील्ड पसंद है उसमें आप ज़रूर कुछ ना कुछ कीजिए, या अगर आप किसी कैरियर में नहीं आना चाहती है तो कुछ ना कुछ सोसाइटी के लिए कुछ ऐसा कीजिए, जिनको भगवान ने बहुत सक्षम रखा है घर परिवार से, जिनको कोई फाइनेंशियली प्रॉब्लम नहीं है, जिनके पास भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, तो अपनी सोसाइटी के लिए कुछ ना कुछ एक तो जिम्मेदारी आपकी भी बनती है कि कुछ ना कुछ चेंज आप भी कर सकते हो अपने सोसाइटी के लिए। बहुत बहुत ही अच्छा थॉट था ये, कहीं ना कहीं मतलब कुछ तो करिए। Yes. कुछ ना हो, अगर फाइनेंशियली अगर आप स्टेबल हो, आपको करियर वगैरह नहीं बनाना है, तो एटलीस्ट समाज के लिए कुछ कीजिए। Yes. लोगों के लिए कुछ कीजिए। एंड दैट वॉज एक्चुअली अ ब्यूटिफुल थॉट बॉबी जी, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा मुझे आपका ये थॉट, और थैंक यू सो मच आपके इस बिजी शेड्यूल में से हमारे लिए टाइम निकालने के लिए। इट वॉज ग्रेट टॉकिंग विथ यू, और बहुत ही अच्छा सेशन रहा ये आपके साथ कहीं ना कहीं। तो दर्शकों, ये थी हमारी एक बिंदास, बहुत ही वुमन या बोल्ड सी, जो काफ़ी सिंपल है, बहुत ही इनोसेंट है कहीं ना कहीं, बॉबी जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका फिर एक बार, और हमारे इस वुमेन्स डे की स्पेशल श्रृंखला वाले इस एपिसोड में फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी अन्य और खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए BCN News। नमस्कार।